तो सर आपकी ये जो यूनिट है आप कब से काम कर रहे हैं? मैं इस बिजनेस में 4 साल से हूँ। अच्छा। एक्चुअली मैंने खुद शॉप डाला था वहाँ पे, फर्स्ट टाइम मैंने इन्वेंशन किया था, तो मेरा फर्स्ट मंथ का इनकम मेरा 1 लाख रुपीस था। तो ऐसा नहीं कि जो है वही बता रहा हूँ कि ये लोग का रिजल्ट की वजह से ये हो रहा है। और मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों का आना अच्छा लगा, तो मैंने ये बिजनेस में लोगों का ही डिमांड आया कि मुझे मशीन चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने मशीन डेवलप किया और लोगों को बेचना चालू किया। तो बेचने में इतना बिजी हो गया तो वो जो शॉप है वो अभी भी चालू है। दोस्तों आप लोगों के लिए बिजनेस की तलाश में मैं पहुंच चुका हूं फिर से महाराष्ट्र के पुणे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मशीनरी लगी हुई है। दोस्तों इस मशीनरी से आप घर बैठे भी कारोबार कर सकते हैं और कहीं पर अपना दुकान खोल के भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो बिजनेस होने वाला है, आप पर कस्टमर से सिर्फ 10 मिनट इस मशीन को चला के 30 रुपये चार्ज कर सकते हैं, और इसी तरीके से 1 घंटे के आप तकरीबन 150 से 200 रुपये कमा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप मशीनें लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। मतलब कि इस जब आप सिंगल अगर आप मशीन लगाते हैं तो कम से कम महीने के आप 25 से 30 हज़ार रुपये बहुत आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आपकी 1 टाइम की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। एक बार आपकी मशीनरी लगा दी, उसके बाद जो कस्टमर 10 मिनट इस मशीन के ऊपर लगा के जाएगा आपका सिर्फ 2 रुपये का खर्चा आने वाला है। उसके बाद सीधा सीधा आपका तकरीबन 30 रुपये से लेके 40 रुपये या फिर 50 रुपये आप अपने एरिया के हिसाब से आप पर कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप घंटों के हिसाब से मिनट के हिसाब से पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ आपको मशीनरी लगानी है, ये सेटअप लगाना है, और कस्टमर भी आपको दुआएं देकर जाएंगे। ये ऐसा बिजनेस होने वाला है। किस तरह की मशीनरी होने वाली है, किस तरीके से इसका वर्क प्रोसेस है और इसका क्या बेनिफिट है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको तभी मिलेगी जब तक आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट कीजिए। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को सर आप ये बताइए कि मशीन तो हर कोई लगा के बैठ सकता है, मगर मेन आती है कि उनका जो बिजनेस है वो कैसे रन करेगा, उसको प्रमोट कैसे करेंगे, बिजनेस एक्सपेंड कैसे करेंगे। एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है कि लोग आएंगे करने के लिए, उनको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को बताएंगे तो माउथ टू माउथ ये बिजनेस बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपने बोर्ड लगा लिया लोग करने के लिए आएंगे, जब ये फील होगा बिजनेस तो लोग करने के लिए आएंगे। तो इसके लिए कोई पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं, लोग ही बता देंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपका इनकम लोगों की तरफ से ही होगा। अच्छा, तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मतलब कितनी मशीनरी लगानी पड़ेगी? सर आप एक मशीन भी लगाएंगे ना तो उसके 10 मशीन कर सकते हैं एक मशीन से। पहले तो आप एक मशीन ले लो, उसका देखो, लोगों का रिजल्ट देखो, फिर आप सोचो कि सेकेंड मशीन, थर्ड मशीन, फोर्थ मशीन। हम एक भी मशीन आपको दे सकते हैं जी। तो दोस्तों ये जो बिज़नेस है मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपका आपने खुद देखा होगा कि जहाँ किधर भी जाते हैं आपको ये मशीनरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका कंपटीशन बहुत ही कम है। तो जहाँ पे कंपटीशन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका सब बिज़नेस है बहुत अच्छे तरीके से रन हो सकता है। तो सर एक अप्रोक्स बता दीजिए कि इस मशीनरी से पर डे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं या फिर महीने के कितने कमाए जा सकते हैं? पर डे अगर आप सोचेंगे 10 मिनट के अगर 30 रुपीस पकड़े जी, तो यानी 20 लोग भी आए तो 300 रुपये होता है जी। 300 रुपये के हिसाब से 10,000 आपको महीना मिल सकता है अगर हाउसवाइफ ये बिज़नेस कर रही है। अच्छा। अगर आप ये बिज़नेस बड़ी इसके कर रहे हैं यानी कि शॉप लेके कर रहे हैं तो उसमें अगर लोग बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेगा। हमारे शरीर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट रहते हैं वो मसाज की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं सेंस हमारे, उसकी वजह से इतने सारे फायदे हो जाते हैं अपने शरीर को। मतलब शरीर से जो बैड टॉक्सिन्स हानिकारक घटक रहते हैं वो कम हो जाते हैं, पित्त जिसको होता है उसका पित्त कम हो जाता है, रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन जो है शरीर का वो अच्छे से हो जाता है, मधुमेह यानी जिसको डायबिटीज़ है उनके पैरों को सूजन आती है, उनकी संवेदना जो रहती है वो कम करने के लिए उसका फ़ायदा हो जाता है, मोबाइल और कंप्यूटर की वजह से जो आँखों के ऊपर थकान आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है वो कम करने के लिए इसका फ़ायदा होता है, शरीर में जो अतिरिक्त गर्मी मतलब एक्स्ट्रा हीट बोलते हैं वो कम करने के लिए इसका यूज़ होता है, वात का प्रमाण कम हो जाता है, पैरों की दरारें मतलब क्रैक हील्स और जलन वगैरह रहती है वो कम हो जाती है, घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, कमर दर्द ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए, पैरों की सूजन कम करने के लिए, और वेरिकोज वेंस के लिए भी इसका बहुत यूज़ होता है। रात को जिनको शांति से नींद नहीं आती है उनकी नींद को
जो समस्या रहती है वो कम करने के लिए इसका बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक बार इसका यूज़ आप ज़रूर करके देखिए। जैसे कि मशीन को अगर आप यूज़ करते हैं, मसाज करते हैं, तो ये पैरों के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसकी वजह से अपने शरीर पे ये इफ़ेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आपकी आँखों के भी प्रॉब्लम है तो आँखों के नीचे ब्लैक आ रहा है, तो मसाज करने के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि आपके आँखों के सेंस जो है वो पैरों में आपके यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट रहता है, उसके ऊपर मसाज होने के बाद वो धीरे धीरे से कम हो जाएगा। तो सर बताइए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अभी आप पहले मसाज करेंगे। ओके तो आप दोनों पैर उसके ऊपर रखो जी। ये तिल का तेल है जी। ओके, ये इसके ऊपर डालेंगे और मशीन स्टार्ट करेंगे। कौन सा ऑयल है? तिल का तेल। तिल का तेल, हाँ। इसको मैं दबा के रखूँ? हाँ, दबा के रखो, रुकेगी नहीं। ओके, और ऊपर जो हमने दिया है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिए, जैसे हमारे बॉडी के वेव्स रहते हैं तो एक्टिवेट हो जाते हैं, कई सेंस रहते हैं जो हमारे एक्टिवेट नहीं रहते, तो इसके वजह से पूरा बॉडी रिलीफ हो जाता है। अभी आप देखे होगा कि ब्लैक निकलना चालू हुआ है। अरे, ये आपके बॉडी का हीट है। अच्छा। ऐसा सॉक्स पहन के आप आए, कहाँ से आए आपको पता है? आपने धूल में किधर पैर रखा है क्या? नहीं रखा, तो अभी ब्लैक निकल रहा है, ये बॉडी का हीट है, ये तुरंत रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव है आपके सामने है, मेरे जो पैर है बिल्कुल धोए हुए, ऐसा लग रहा है कि मेरे पैरों से कुछ मैल वगैरह निकल रहा है, लेकिन बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल लाइव चल रहा है। मतलब इसको क्या बोलेंगे सर, ये जो ब्लैक ब्लैक निकल रहा है? टॉक्सिन रहता है। अच्छा। टॉक्सिन रहता है, ये बॉडी का हीट अब्जो करता है। अच्छा। टॉक्सिन निकलता है तो बॉडी को रिलीफ मिलता है। ये तिल का तेल है, ऐसा कोई केमिकल वगैरह नहीं, आपके घर में के जो तेल रहेगा वही यूज़ करना है, हम कोई तेल वगैरह देते नहीं है। हाँ, तो अभी ऊपर पैर रखो कटोरी के ऊपर। अच्छा। अभी आपको फील होगा सेंस एक्टिव हो गए, गुदगुदी सी होगी, तो ये भी चीज़ होना जरूरी है बॉडी को। एक पैर नीचे रखो, एक पैर ऊपर रखो, एक पैर ऊपर कटोरी के ऊपर, एक पैर ऐसे नीचे रखना है, ऊपर आ जाओ, ऊपर ऊपर, एक ऐसा ऐसा ही रखो, एक और एक ऊपर रखो इस पे। हाँ हाँ, ऐसा। उसमें क्या करना है, उंगली को करना है, बीच में करना है और फुट को, पूरा फुट को घिसके लेना है। अच्छा, मतलब कटोरी के ऊपर, क्योंकि हर एक जगह पे वो कटोरी का सेंस एक्टिव होना चाहिए। तो ये पैर होने के बाद दूसरा पैर नीचे रखना है, वो पैर ऊपर लेना है, तो अल्टीमेट ऐसा करना है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो ऐसा करना है, ये पैर ऐसा करो आप। हाँ, ऐसा मसाज किया तो जो घुटने का दर्द होता है तो वो कम हो जाता है, क्योंकि ये जो पॉइंट रहता है ये पॉइंट घुटने के लिए अच्छा है, यहाँ पे मसाज होगा तो रिजल्ट घुटने को आएगा। ऐसे पॉइंट्स रहेंगे तो वो पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे मसाज किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ये यूनिक है। अच्छा, तो ये ऐसा जैसे आपने बताया कि इसमें कई तरह के डिजीज में काम करता है। हाँ। तो ऐसा क्या होता है कि फूट में मसाज हो रहा है और डिजीज पे वर्क कर रहा है ऐसा? क्योंकि कैसा है एक्चुअली ये जो चीज़ है, तो पहले तो हमारी बॉडी की हीट निकल लेती है, हीट निकलती है यानी कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। हम अगर घर में रहते हैं तो पहले तो क्या करते हैं, अगर गर्मी है तो फैन लगाते हैं, गर्मी नहीं है सर्दी है तो फैन बंद करते हैं। हम घर में भी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वैसे हमारी बॉडी में भी टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है। अगर वो मेंटेन नहीं है तो हमारी बीमारी आने वाली है फ्यूचर में, तो वो टेम्परेचर पहले मेंटेन करेंगे। तो ये जो करने के बाद पहले दिन आपको रिजल्ट आएगा, नींद का प्रॉब्लम आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कैसे आप देखेंगे तो 10 में से 8 लोग बता देंगे कि मुझे नींद नहीं आती। तो पहली चीज़ ये है कि बॉडी रिलैक्स नहीं होती, तो ये करने के बाद आदमी सोचेगा भी नहीं मुझे सोना है, ऑटोमेटिक नींद आ जाती है। आप खुद फील करो और लोगों को बताओ कि लोगों को अगर मुझे नींद नहीं आती और मैं अगर इससे मसाज करूं और मुझे रिजल्ट आए तो मैं दूसरे लोगों को बताऊंगा, तो उसको ट्रस्ट बैठेगा। अगर मैं पैम्पलेट पे देखूं कि ये नींद अच्छी आती है तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन जब कोई आदमी बताएगा तो ट्रस्ट करेगा। जी जी, कितने तरह के डिजीज में वर्क करता है सर ये? सर हमारी बॉडी के हर एक डिजीज में इसका वर्किंग है, यानी कि बाल से लेके हमारे उंगली तक हर एक इसमें रिजल्ट है उसका। स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारे जो पिंपल्स आते हैं लेडीज़ को, कि उसके लिए तो ये इतना अच्छा रिजल्टेबल है कि आप जब करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। अच्छा। मैं तो बताऊंगा नहीं, जब आप करो फील करो फिर बताओ। ऑपरेटर का वर्क ये रहेगा, बस मशीन को स्टार्ट करना है और पैरों पर ऑयल लगाना है। हाँ, एक्चुअली इसमें सिस्टम ऐसा है कि ये दोनों तरफ फिर घूमता है। अच्छा। दोनों तरफ मसाज होता है। अभी देखो 5 मिनट हो गया है, अभी ये रुकेगा, अभी ये रिवर्स घूमेगा। तो ये कैसा है, एक साइड में घुमा तो हमारे इस साइड को मसाज हुआ, इस साइड घुमा तो इस साइड भी मसाज होगा, तो दोनों तरफ फील होना जरूरी है। ऑटोमेटिक सिस्टम है? ऑटोमेटिक सिस्टम, उसमें काउंटिंग भी होगा। अगर आप सोचो कि मेरा मशीन मैंने लिया है, कितने लोग हुए वो पता
पता भी नहीं है मशीन डील हुआ क्या नहीं हुआ, आज कितने लोग आए, तो उसके लिए भी मैंने सिस्टम बनाया है। आपने एक बटन दबाया, यहाँ समझो यहाँ पे बैच करके है, अच्छा। तो बैच में पता चलेगा कि इस मशीन के कितने लोग हुए। अरे वाह, तो कहने का मतलब सर ये कहना चाहते हैं कि यदि आप ये मशीन लेकर के अपने स्टाफ से अपने लेबर से करवाना चाहते हैं तो उनको आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने स्टाफ से जो आपका स्टाफ बैठा होगा सैलरी बेसिस पे आप इवनिंग में आके अकाउंटिंग हम देख सकते हैं कितने हुआ। कितने दिन के बाद आओ, एक महीने के बाद आओ, वो बटन दबाओ, लो आपको पता चलेगा इस मशीन के ऊपर कितने लोग बैठ के गए। अच्छा, तो इसके मतलब कौन लोग इसको कर सकते हैं, मतलब कि जो कस्टमर आएंगे कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते, ऐसा भी कुछ है? हाँ ऐसा है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज है तो वो नहीं करना है। अच्छा। क्योंकि कैसा है वो घूमता है तो अचानकली कैसा प्रेशर आके, अच्छा, तो उससे कोई ना हो इसलिए हम बोलते हैं कि उनको ना बिठाओ। और जिसको ज़्यादा बुखार है, अच्छा, उनको नहीं बिठाना है, वो छोटे बच्चों को नहीं बिठाना है। तो हम इंफॉर्मेशन पूरा आपको दे देंगे पैम्पलेट के थ्रू, अच्छा, पीडीएफ के थ्रू, क्या करना है कैसे करना है। हाँ, तो इस मशीन की जो लाइफ होगी, इसमें मेंटेनेंस, इसका रख रखाव वो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा इसमें? सर अभी तक मैं 4 साल से इसको बेच रहा हूँ। अगर आपके पास लाइट का प्रॉब्लम है, वोल्टेज कम ज़्यादा, तो उसको प्रॉब्लम आएगा। अगर लाइट का प्रॉब्लम नहीं है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 4 साल में मैंने ना थाली बदली है ना मोटर बदली है। अच्छा। हाँ, अभी तक मैंने 700 मशीन बेचा है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ इसके अंदर कोई ज़्यादा मशीनरी नहीं है, सिर्फ एक मोटर लगी हुई है और एक थाली है और कुछ कंपोनेंट्स है। yes, तो जितने ज़्यादा कंपोनेंट्स कम होंगे, जितनी ज़्यादा मशीनरी कम होगी, जाहिर सी बात है इसमें मेंटेनेंस भी कम आएगा। मेंटेनेंस यानी कि अगर आपका मेंटेनेंस आ गया तो मशीन ऐसे ही रहेंगी। okay. तो मेंटेनेंस जितना कम रहेगा आप खुद भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे मतलब जो फील हो रहा है आपको वीडियो में नहीं पता लग सकता। अगर आप डेमो करना चाहते हैं, अपना खुद फील लेना चाहते हैं, तो आपको एग्जैक्टली इस लोकेशन पे आना होगा, आप लाइव डेमो भी देख सकते हैं। और सर आपके कुछ ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो पहले से ऑलरेडी, अगर कोई कस्टमर जाके लाइव उसका डेमो देखना चाहे तो उसका भी आप कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवा देंगे? हाँ नहीं, हर एक यानी कि आप जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट का मेरे पास मैंने मशीन दिया है हर एक स्टेट में। अच्छा। तो उधर का मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करूँगा, जाके वहाँ पे देख के आओ। अच्छा। अगर आपको अच्छा लगा तो ऑर्डर करो। तो सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम मैंने मशीनरी देखी है, तो क्या अभी आपने जैसे आपने बताया कि 4 साल से आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, यही पद्धति यूज़ करते थे या इसके अलावा कुछ और सिस्टम था? वही चीज़ था कि कटोरी थी पहले, तो कटोरी से बूढ़े आदमी रहते थे, वो सो जाते थे और उसके वाइफ को बोलते या बेटे को बोलते थे कि मुझे पैर घिसा दो, ऐसा यानी इसका जो पहले ज़माने से बात चलती आ रही है। सिर्फ हमने ये इलेक्ट्रिशियन में लाया है, ऐसा कुछ अलग किया नहीं है, जो पहले है वही हमने इलेक्ट्रिशियन में लाया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत हीट हो गया है अंदर नीचे पैरों से ना, हीटिंग लग रहा है। हाँ वही होता है, क्योंकि बॉडी का हीट है ना, वही निकलना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा ये काला है। हाँ। लेकिन आपका पैर अगर नीचे से देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा काला रहता है। जी जी। तो ये इतना हमारे पैर में ये तो नहीं रहता। अच्छा। डस्ट नहीं रहता कि इतना डस्ट निकल गया। अच्छा। ये एक्चुअली बॉडी का हीट ही है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये पूरा मेरे पैरों से जो ये ब्लैक ब्लैक निकला है, सर क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? टॉक्सिन बोलते हैं। अच्छा, ये टॉक्सिन बोलेंगे इसको। और ये चीज़ ऐसा है कि हर एक का नहीं निकलेगा। अच्छा। 100 में से 2 आदमी ऐसे मिलेंगे जिसका जैसा है वैसा रहेगा। अच्छा। जिसके बॉडी में हीट है उसका निकलेगा। अगर छोटे बच्चों को उसको करने को बोलेंगे तो उसमें नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि मेरे बॉडी में कितना हीट है। बहुत हीट है सर। एक्चुअली ये चीज़ ऐसी है, हम जब करते हैं तो जो आदमी ज़्यादा गोलियाँ खाता है, बाहर का खाता है, नॉनवेज खाता है, इसके बॉडी में हीट रहती ही है। छोटे बच्चे रहने दो, उनको करने को बोलो, उसमें कुछ भी नहीं आएगा सर। सर मैं इतना नॉनवेज नहीं खाता हूँ। लेकिन हीट तो खाते, बाहर का तो बहुत खाते होगे सर। वो तेल कौन सा यूज़ करते हैं हमको भी पता नहीं सर, आपने भी तेल का यूज़ वीडियो देखा होगा। जी जी। तो उसमें तेल हमको कौन सा यूज़ करना है और होटल में कौन सा यूज़ करते हैं आपको भी पता है सर। सर मशीन का कॉस्ट रहेगा, 2 प्रकार के मशीन है, जैसे कि ये है 13 इंच का आएगा, 13 इंच में ये रहेगा आपको 20,000 में। ये जो मशीन आएगा वो 25,000 में आएगा। उसमें 2 प्रकार है, रिवर्स फॉरवर्ड और एक खाली एक फॉरवर्ड आएगा। वो फॉरवर्ड जो लेना है यानी कि एक ही साइड में घूमेगा, उसका प्राइस आएगा 23,000। अगर इसमें दोनों साइड घूमने वाला चाहिए आपको तो ये 22,000 में आएगा, और सिंगल साइड आपको आएगा 20,000 को।
और एक छोटा मशीन है जो हमने होम यूज़ के लिए, छोटा सा मशीन घर के लिए लिया है, मैनुअल है, जो ऑटोमेटिक घूमेगा, थोड़ा सा वाइब्रेशन भी करेगा। ओके, इसकी जो प्राइस रहेगी 1500 रुपये रहेंगे। ओके, मशीन की सर्विस वारंटी गारंटी वगैरह? सर मशीन की जो सर्विस है करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी गारंटी रहेगी 1 साल की, रिप्लेसमेंट गारंटी रहेगी। अगर थाली को कोई क्रैक जाता है तो उसका कोई नहीं, थाली को बहुत संभाल के रखना है, इसके ऊपर कोई लोहे का गिरना नहीं चाहिए क्योंकि कांसा नाजुक रहता है। मोटर का गारंटी रहेगा 1 साल का, कुछ होता है तो रिप्लेस मिलेगा आपको। मशीन लेने के लिए क्या करना होगा? सर मशीन लेने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर चले हैं उनके ऊपर कॉल करो, नीचे एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस पे अगर चाहिए तो विज़िट करना है तो विज़िट कर लो और ऑर्डर कर दो।